पापड़ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों सभी को पसंद आती है। ये पापड़ जो आप देख रहे हैं सिर्फ 3 आलू से बनकर तैयार हुआ है। इसे ना ही पीसने की झंझट और ना ही बेलने की परेशानी, और बिना धूप दिखाए भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतनी ट्रांसपेरेंट बनी है कि आर पर मेरी अंगुलियाँ भी दिख रही है। जब भी आपको कुछ क्रिस्पी चटपटा खाने का मन हो तो झट पर तलिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। अगर घर में गेस्ट आ जाए और नमकीन ना हो तो इसे फटाफट तलकर दे दिया। और बाज़ार के पापड़ से सस्ती, कहीं ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरी और चटपटी। एक बार बनाकर पूरे साल रख सकते हैं, तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 आलू से 50 से भी ज़्यादा पापड़ बनाकर तैयार करेंगे बिना किसी परेशानी के, सबसे सिंपल तरीके से। तो चलते हैं किचन में। पापड़ बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के आलू को छीलकर पानी में रखा है ताकि ये काले ना पड़े। अब ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। इसके हमें लच्छे बनाकर तैयार करनी है। हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया। अब इसे 2-3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसके स्टार्च ख़त्म हो जाए और हमारे पापड़ काले ना पड़े। हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसे पानी में ही रहने देंगे। और 1 कप साबूदाने को हमने 2 घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक बड़े से पतीले में हम भीगे हुए साबूदाने पानी के साथ ही डालेंगे और एक्स्ट्रा से इसमें 4 कप पानी और डालेंगे, यानी टोटल हमने 5 कप पानी का इस्तेमाल किया। 1 कप साबूदाने के साथ और 4 कप अलग से। इसे एक बार चला लेंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद अब हम इसमें आलू के लच्छे डालेंगे जिसे हमने कद्दूकस किया था, और इसे चलाते हुए 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसे अच्छे से पकाना ज़रूरी है वरना सूखने पर पापड़ में क्रेक आने लगेगा। अब ये अच्छे से पक चुका है तो अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें फ्लेवर डालेंगे, जिसमें 1/2 चम्मच नमक, पापड़ में नमक का इस्तेमाल कम ही होता है, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना है या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दें। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और थोड़े से फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सारे फ्लेवर डालने के बाद पापड़ बाज़ार से भी ज़्यादा चटपटे बनकर तैयार होंगे। इसे टोटल पकाने में हमें 15 मिनट का वक्त लगा है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। अब ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये और ठीक हो जाता है। पापड़ बनाने के लिए हम कोई प्लास्टिक की सीट या बड़ी सी प्लेट लेंगे। इसे बनाने के लिए हम 1 कलछी बैटर सीट या प्लेट के ऊपर डालेंगे। इसे फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं,
ये खुद ही गोल शेप ले लेगा। इसे आप पंखे की हवा में 2 दिन रखकर या 1 दिन की धूप में सुखाकर तैयार कर सकते हैं। बाकी के सारे पापड़ को हमने धूप में ही फैलाकर तैयार कर दिया। अब इसे 1 दिन सूखने देंगे ताकि सूख कर ट्रांसपेरेंट और क्रिस्पी हो जाए। एक दिन बाद अब ये पापड़ सूख कर बिल्कुल ड्राई, पतले और एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, जिसके आर पार आसानी से मेरी अंगुलियां भी देखी जा सकती है। अब मैं आपको इसे तल कर दिखाती हूँ। तलने के लिए कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल गरम किया है। इसे कढ़ाई में डालेंगे। तलने में ये ज़्यादा समय नहीं लगता। कढ़ाई में डालने के साथ ही ये पापड़ साइज से डबल हो जाते हैं। ये पापड़ काफ़ी क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुई है। इसे आप बनाकर पूरे साल रखकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेंजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और 2 मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।